नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। घाटकोपर में इसी साल के जून महीने में एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया था। ये प्लेन घाटकोपर के शहर के बीचों बीच गिरा था। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। गनीमत ये रही कि प्लेन किसी इमारत से नहीं टकराई, नहीं तो और भी न जाने इस हादसे में और भी कितनी जाने जाती। इस हादसे के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। इस घाटकोपर विमान हादसे का ऑडिट करने के बाद इंडियन सिविल एविएशन रेगुलेटर ने प्लेन रिपेयर करने वाली एडिमर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब कंपनी एयरक्राफ्ट के रिपेयर मेंटेनेंस का काम नहीं कर पाएगी। सिविल एविएशन के महानिदेशक ने 2 जुलाई को इस कंपनी का ऑडिट करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्लेन में कई खामियां पाई जाने के बावजूद ना ही रिकॉर्ड किया जा रहा था और ना ही ठीक किया जा रहा था। ऑडिट में कहा गया है कि कंपनी ने नियमों की बड़ी अनदेखी की है, अपर्याप्त मूलभूत ढांचा, अकुशल मैन पावर, कम सुविधाएं और प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।